अपनी 17 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरने के अंतिम दिन विभिन्न ब्लॉकों से आई सहायिका और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मांग है कि कार्यकर्तियों को समान योग्यता और समान कार्य के आधार पर कार्यकर्त्री के बराबर मानदेय दिया जाए, योग्यता के आधार पर मुख्य सेविका के पद पर नियुक्त किया जाए, जब से PFMS लागू हुआ है तत्काल उसका भुगतान कराया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 1 नवंबर से प्रदेश मुख्यालय का घेराव करेंगे। इस अवसर पर प्रियंका सिंह, नाहिदा, निशा, विद्या गुप्ता, पूनम चौधरी, आरती देवी, कुसुम सिंह, ममता त्रिपाठी, सुशील देवी सहित भारी संख्या में विभिन्न ब्लॉकों के आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे ने कहा, गीता पांडे आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाह। आज हमारे धरने का 3रा दिन है और हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जिला पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो लंबित मांगे हैं उसको हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम लोगों का शासनादेश जारी करें। साथ साथ हम अपने सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार का कोई ऐसा कार्य नहीं बचा है कि जिसको आंगनवाड़ी अपना मुख्य रूप से आंगनवाड़ी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं और सरकार का जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही हैं आजकल सर वो निर्वाचन आयोग का काम चल रहा है, BLO का काम चल रहा है, हम लोगों का अभी बूथ लगने वाला है लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारी सरकार वादे पर वादे निभाते वादे वादे पर वादे करते चली जा रही है और सरकार के मन में क्या है ये हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। सरकार हमसे हम लोग आग्रह करना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग का शीघ्र अतिशीघ्र शासनादेश जारी करे और साथ साथ हम लोग आज के कार्यक्रम के अंत में आज समापन के उपलक्ष में एक स्वच्छता रैली अभी 2 बजे से हम लोग यहाँ नगर निगम से निकालते हुए यहाँ से इंद्राबाल बिहार होते हुए शास्त्री चौक पर हम अपना समापन करेंगे अपने धरने का और सरकार से हमारी यही उम्मीद है यही आशा है कि हम लोगों का शीघ्र अतिशीघ्र जो बढ़ा हुआ मानदेय है शासनादेश जारी करे। अगर सरकार नहीं शासनादेश जारी करती है तो अग्रिम 1 नवम्बर से हम लोग प्रदेश मुख्यालय को घेरेंगे।